यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इस बार समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव चर्चा में बने हुए हैं। अखिलेश यादव ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई चौंक जा रहा है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के हर काम में अखिलेश यादव अपना क्रेडिट लेने में जुटे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि अभी तक जितना उद्घाटन हो रहा है ये सब सपा सरकार की देन है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि इस बार समाजवादी पार्टी 400 सीट जीतने जा रही है। इस पर बीजेपी की सहयोगी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी 400 नहीं बल्कि 40 सीट जीतने जा रही है। रामदास अठावले ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार ने काफी विकास कार्य किए हैं। उज्ज्वला योजना सहित दूसरी योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा प्रदेश में बीजेपी की 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। वहीं कृषि कानून को लेकर अटले ने कहा कि किसानों के हित में कानून बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने ही विरोध किया तो पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस ले लिए। उन्होंने कहा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी की ही सरकारें बनेंगी। इसके अलावा भी उन्होंने विपक्ष की पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि यूपी में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर अखिलेश बार बार अपना आपा खो दे रहे हैं और कई बार अखिलेश यादव ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनकी पार्टी बुरी तरह फंस जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अखिलेश की पार्टी को कितनी सीट मिलती है ये वक्त बताएगा। फिलहाल योगी और मोदी ने मिलकर यूपी में माहौल टाइट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।